क्या व्यू है भाई सामने, बहुत ही जबरदस्त। इस साइड ये नदी थी, ये रहा हमारा मेन रोड जिससे हम आए थे। अभी फिलहाल आर्मी का कॉन्वॉय जो आ रहा है, देख रहे हो कितना तगड़ा लग रहा है भाई। एक के पीछे एक और हर गाड़ी के ऊपर एक बंदा एकदम मुस्तैद तैनात है। और तो और ये देखो यहाँ पे भी ये भैया गार्डिंग कर रहे हैं, कोई भाई बाल माका नहीं कर सकता है। ये इंडियन आर्मी है। यहाँ पे 50, ये देखो यहाँ पे है भाई। बहुत सही। सैल्यूट टू आवर इंडियन आर्मी यार। चलो भाई शुरू करते हैं आज का दिन, और शुरुआत करते हैं आज का दिन। बहुत ही धमाकेदार होना चाहिए ऐसा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि भाई कश्मीर में वादियों में जब आप आते होते हैं तो बहुत सारी चीजें अनसर्टेन होती है। और अनसर्टेन इसलिए होती है क्योंकि कभी ट्रैफिक मूवमेंट रोक दिया जाता है, कभी ब्लास्टिंग चल रही होती है, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, जो कि अभी आपने पिछले वाले एपिसोड में ही देखा होगा। चलो भाई शुरू करते हैं आज का एपिसोड और चलते हैं हम गुलमर्ग की तरफ। सोनमर्ग से गुलमर्ग जा रहे हैं। इधर भाई लोग तैयार है एकदम चमाकेदार, एक जॉगर्स में दूसरा जीन्स में, है ना। तो अब चला जाए, वेट करें भैया का, जल्दी से सामान नीचे पहुंचाएं, भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, तो खाना खाएं और निकल चलें हम अकेले डेस्टिनेशन के लिए। सभी कोई जा चुके हैं और जाने का रीजन है कि भैया आ गए और लगेज लेके चले। चलो लास्ट चेकअप कर लेते हैं, सारी जगह पे चेक कर लिया और पता है क्या मिला? ये देखो भाई ने अपना टी शर्ट छोड़ा हुआ है, अभी चल के उसको दिखाते हैं। तो इसीलिए ना कभी भी निकलो तो एक बार सबके निकलने के बाद जो है ना चेक करना बहुत जरूरी है कि कुछ छूट तो नहीं गया है। तो भैया आ चुके हैं गाड़ी में, और गाड़ी में आते के साथ थोड़ी सी गर्मी लगने लग गई, तो मैंने सोचा चलो जैकेट निकाल ही देते हैं क्योंकि गर्मी लग रही है भाई, तो जैकेट अभी रख देते हैं और रेडी होते हैं भाई निकलने के लिए। पहले सामान वामान रखते हैं, बिजनेस क्लास बुक किया है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से जर्नी पहलगाम की। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय, माता रानी हमारी डर्नी हमारी डेस्टिनेशन बहुत अच्छे से पहुंचाना, बहुत मस्ती करते हुए जाए, पूरा एक्साइटमेंट है। हाँ एकदम वही एक्साइटमेंट बना रहे और ब्लॉग के द्वारा हम अपने जनता को भी दे पाए। तो भाई शुरू हो गया हमारा जर्नी, और जो जर्नी है वो इस बार चलेंगे हम लोग पहलगाम। पहलगाम इसलिए हमने डिसाइड किया क्योंकि वो हमारे घर के जो है ना रास्ते में पड़ता है, मतलब घर के रास्ते में, इतना ऐसा नहीं कि मालविया नगर के रास्ते में पड़ता है भाई, मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि भाई जब कल को परसों को जब भी वापस के लिए जब हम जाएंगे तो वो हमें जो है ना थोड़ा सा 50-100 किलोमीटर का ना बेनिफिट हो जाएगा, थोड़ा सा नजदीक हो जाएगा। तो इसलिए हमने सोचा चलो भाई इस बार जो है पहलगाम कर लेते हैं और अगली बार के लिए गुलमर्ग को छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ छूट जाएगा तभी तो वापस दोबारा आएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए भाई जर्नी स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई फटाफट टाइमली इस बार जो है पहुंच जाएंगे। पेट पूजा करना बहुत जरूरी है क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज। क्या मतलब? अरे हम भाई पायलट है, पायलट मैं एयर होस्टेस हूँ, सॉरी फ्लाइट स्टूअर्ट हूँ, और भाई पैसेंजर कुछ और सर्विस दो। एयर होस्टेस, ये मेरी एयर होस्टेस, एयर अजिया। भाई गजब सो रहे हैं ना, गजब सो रहे हैं, एकदम बिजनेस क्लास सोने दे रहे हो तुम यार। भाई लोगों के रिक्वेस्ट पे भाई यहीं पे रुक गए। ओके ये रहा अपना स्नो बियर बाय रेस्टोरेंट, भाई लोग अंदर गए, ऑर्डर करेगा फिर हम पहुंचेंगे भाई धीरे धीरे। गाड़ी यहीं लगा दी भाई, अब देखते हैं क्या क्या है खाने को यहाँ पे। ये ड्राई फ्रूट्स, डाइट कोक, ये सारी चीजें, कॉफी बिस्किट सब रख लिया भाई, नमकीन, किटकैट, बारवन कुछ नहीं 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 चॉकलेट भाई बिल्कुल नहीं खाएगा चॉकलेट। अरे बिल्कुल भाई वो डार्क 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 फैंटेसी बिजनेस क्लास के लिए, नहीं नहीं उनकी फैंटेसी अलग है। अच्छा वो अलग फैंटेसी, दैट ओनली फुलफिल्स इन थाईलैंड। अरे मुझे तो लगा खाना, अच्छा सलाद आ गया, ला भाई बन के से भाई। ये दाल हो गया ना अपना, ये दाल और ये चिकन चिली, ये बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, दाल तो पनीर भी लग रहा है ना, कोई नहीं, बट बहुत सही है भाई, सबसे अच्छी बात है तवा वाली रोटी है यार। चलो भाई तवा वाली रोटी, हाँ शुरू करते हैं। हाँ भाई खाना पीना हो चुका है, भाई चले गए अपने फाइव स्टार गंतव्य स्थान पे, राजगद्दी गंतव्य स्थान, गंतव्य
गंतव्य स्थान पे। अरे भाई गंतव्य। हाँ भाई 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 जो भी है, चलो भाई अब शुरू करते हैं जर्नी को। और यहाँ से ताबड़तोड़ कितना डिस्टेंस है भाई यहाँ से? है बहुत तेज, बहुत है भाई, बहुत तेज है, बहुत ज्यादा है। 159 और टाइम जो लगना है वो है 3 hours 48, मतलब 4 hours के लगभग लगेगा। अरे घंटा स्टुअर्ट, वो यार वो चुंगम रखा था यार, स्टुअर्ट, ओह माय गॉड, थोड़ा सा ना वो, हाँ एक खुला हुआ होगा तो बाहर ही लग रहा है इसमें। मेरे को ना यार मेरी सेवा सेवा करते रहो यार आप लोग। जरूर जरूर जरूर, आपकी सेवा में सदैव। आप देखो ऐसे नहीं दी जाते। मजा आ गया। चलो चलो भाई, ऑलमोस्ट 6 kilometers रह गया है श्रीनगर। तो भाई यहाँ पे मनोज भाई को जो है कुछ ना कुछ कार्यक्रम जो है करने के लिए कुछ ना कुछ जो है द्रव की आवश्यकता है, तो लिक्विड एनर्जी, लिक्विड एनर्जी के लिए जो है इनको भाई ये लिक्विड एनर्जी सबको मदद करेगी। देखो बहुत जरूरी है, देखो विकास भाई का सोना बहुत जरूरी है। बेचारा तीन दिन से मेरे चक्कर में सो नहीं पा रहा है ना। विकास मेरा भाई है और भाई साहब मैं देख नहीं सकता ऐसे यार किसी को। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल भाई नहीं देख सकता। तो भाई ऐसा ही है कि अब जल्दी से जा करके ले लेते हैं मनोज भाई की दवाई। उनको पेट में बहुत दर्द हो रहा है, 2 nights से पेट में दर्द में सो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ दवाई तो देनी पड़ेगी। पता करते हैं कहाँ मिलती है दवाई, फिर आपसे बात करते हैं आगे। चलो यार ये मनोज भाई के चक्कर में ना पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब एक दवाई के चक्कर में भाई ऐसा है, मैं घंटा शर्मिंदा नहीं हो रहा, तो जितना मर्जी बकलो भाई कैमरा के आगे, तुम जितना मर्जी बकवास कर लो कैमरा के आगे, भाई मैं नहीं शर्मिंदा हो रहा, मैं जाके रहूंगा भाई। दवाई लेके डॉक्टर, ए डॉक्टर, ए डॉक्टर बोतल देना, मैं एकदम दूंगा, मैं बोतल दूंगा। दवाई तुम बांटते हो, हमें नहीं दिलवाओगे दवाई डॉक्टर? बिल्कुल दिलवाऊंगा बिल्कुल, ए डॉक्टर। भाई इस भीड़ में मतलब अच्छा खासा खाली हाईवे था है ना, उसको छोड़ कर मैं तो सोच रहा था कि भाई सो रहा है एक क्रॉस, चुपचाप निकल जाएंगे। हां श्रीनगर तो निकल गया भाई आज, ऐसा है आज मैंने नहीं सुना, मुझे पता था मैं जैसे मर्जी नींद में अपने आप को जगाऊंगा। चॉप्स हैं तो अगर देखते हैं यहाँ से अपने को ना ड्राई फ्रूट्स मिल जाए, यहाँ पे केसर बहुत मिलता है, बट ना आप केसर ना ये टूरिस्ट वाले जो जैसे कल हम जोजिला गए थे वहां पे बेच रहे थे वो सब मत लेना, वो सारे फर्जी रहते हैं, सारे फर्जी। शिलाजीत, शिलाजीत तो भाई हमें जिस ढाबे पे खा रहे थे ना उसने बता दिया कि ना शुगर को, हाँ शुगर को जला के वो काला कर देते हैं और उसको बोलते हैं शिलाजीत, ठीक है भाई। कह रहे हैं कि आप पैसे देके बीमारी खरीद रहे हो, जहर खरीद रहे हो पैसे देके। समझे भाई, समझ गए, लगे हुए थे शिलाजीत लेना, शिलाजीत लेना। कल हमने मना किया मनोज भाई को, मनोज भाई तो कह रहे हैं शिलाजीत के बिना चलेगा नहीं, थाईलैंड खुद जा रहे हैं, शिलाजीत का नाम मेरे पे राइट ही तो डल लेक के साइड चला जाएगा, डल लेक ही जा रहे हैं शर्मिंदा करने को। अरे तो हम भाई हम लोग पहुंच चुके हैं जगह पे, अब यहाँ से जो है पार्किंग में लेकर के जाना होगा गाड़ी शायद मोस्ट प्रोबली, और मनोज भाई गए हुए हैं अपना काम करने के लिए। एक काम करते हैं अंदर घुसा करके फिर निकाल लेते हैं क्योंकि पार्किंग तो करनी नहीं है हमें। खुशी देख रहे हो क्या छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो? चले येपी येपी भाई की खुशी का ठिकाना। आप तो ठीक है? बिल्कुल ओके ओके रिपोर्ट। चलो डल्ले घूमना है, डल्ले घूमना है ना? डल्ले नहीं घूमना भाई, आप इन्हें कहाँ कुछ घूमना है, इनको सीधे होटल ले चलो, होटल ले चलो बस, कहीं नहीं जाना। समझ गया मैं। और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ना यही है भाई हाउस बोट। तो अगर आप शाम में आते हो तो भाई लाइट वाइट लगी होती है, बहुत खूबसूरत लगता है। चाहो तो भाई आप यहाँ पे भी रुक सकते हो, बस थोड़ा सा दिक्कत यही है कि वो बेसिक अम्यूनिटीज वगैरह होती है इसमें, बहुत ज्यादा कुछ लग्जरी नहीं होता, या फिर होता भी होगा भाई हमें पता नहीं। हमें लगा भाई हम थोड़ा सा और आराम पसंद इंसान है ना, तो हम चले गए होटल में रुकने के लिए। वैसे आप चाहो तो यहाँ भी रुक सकते हो, बाकी ट्रैफिक का हाल ये सारे मनोज भाई के अकाउंट पे ऐड होगा। हेलो यार क्या दिक्कत है, आपने कोई टेंशन नहीं है? नहीं है ना टेंशन आपको? कोई टेंशन नहीं, तभी तो बोल रहा हूँ मैं। हमने सोचा
अच्छा भाई जब आए इसी डगर में तो वापस से जो है डीजल फुल टैंक करा लेते हैं। और यहाँ पे रेट तो जैसा कि बताया मैंने, रेट तो बहुत सही है भाई, 86.91 मतलब 87 रुपीज है। क्या क्या खरीद के ला रहे हो मनोज भाई? कावा और केसर ले लिया भाई, बढ़िया कावा और केसर, कश्मीरी कावा और केसर। अच्छा बहुत सही बहुत सही, अपना काम हो गया पूरा, अब मैं डसा भी नहीं जाऊंगा घर में, चलो है ना। चलो भाई चला जाए। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, आज करेंगे तेरे तुझे प्यार करेंगे आज शाम को, चल 3 दिन दूर रही ना तू। तेरे मेरे बीच में यही वो जगह था जहाँ से मिस्टेक हुई और हम जो है इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गए, हमें जो है नीचे से जाना था। भाई फिर से सांड लग गई क्या आपकी? नहीं नहीं, सीधा करता तो सांड लग जाती है, हम ना पहलगाम तो कम से कम 20-20 सांडे घूमेंगे, तीनों के 60 सांडे हो जाएंगे, एक एक असली 19-19 नकली। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम सही रास्ते पे आ गए हैं। अब 1 घंटे देखो यार ग्रीन हो गया तुरंत से, कहाँ रेड लाइट दिखा रहा था इसमें। अरे भाई अब ड्राइविंग में भाई आ गया भाई, है ना, केला वाला दिला दो ना। देख केला, इस डॉक्टर को पसंद है केला, मोटा मोटा केला, केला दे दे केला। बहुत देर के बाद जो है हम यहाँ पे रुके हैं और मनोज भाई को थोड़ी देर दिया था चलाने के लिए, भाई ने जो है तुरंत एक बहाना मारा कि भाई केसर ले लेते हैं, केसर केसर, और आ गए हैं भाई ऋषि केसर मार्ट में। चलो देखते हैं क्या है हमारे ऋषि केसर मार्ट में और क्या क्या ले रहे हैं ये लोग। लिटिल बिटर आपको लगना चाहिए और आपकी जुबान पे कलर जो है वो बिल्कुल पीला होना चाहिए, हल्का सा कड़वा जुबान पे कलर पीला, ये केसर की दूसरी पहचान होती है। बिल्कुल सही है, तीसरी पहचान आपका तो हो गया, और तीसरी पहचान अगर हम इसको किसी भी लिक्विड फॉर्म में डालते हैं दूध या पानी में, दूध या पानी के ऊपर ये फ्लोट होना चाहिए और अपना कलर पीला देना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे इसकी पहचान होती है। केसर जो है ये ख़राब नहीं होता, बट इसको फ्रिज में नहीं रखना है, इसको फ्रिज के बाहर रखना है, पानी नहीं जाना चाहिए, 50 साल तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। एंड केसर के बेनिफिट जो रहते हैं, एक तो प्रेगनेंसी के लिए अच्छा रहता है, हार्ट पेशेंट, अस्थमा पेशेंट, कोल्ड डिजीज, इन्फ्लुएंजा डिजीज, फेयरनेस, एंटी कैंसर होता है। और खाने का तरीका, 5-10 पीस आप गर्म दूध या पानी में डाल सकते हैं, इसको भिगो के रखना है, या कोई भी रेसिपीज आप घर में बनाते हैं खीर बिरयानी उसमें आप डाल सकते हैं, आप कंज्यूम कर सकते हैं सैफरन को। एंड सैफरन के बाद आता है ब्रदर शिलाजीत, नाम आपने सुना होगा शिलाजीत का, लेकिन ये वो शिलाजीत नहीं जो आपके वहाँ पे पतंजलि डाबर के कैप्सूल्स मिलते हैं खाली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए। शिलाजीत आपको दिखाएंगे जो बैक पेन जॉइंट पेन के लिए यूज़ होता है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिनरी डिसऑर्डर्स, वेट लॉस एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होता है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ शिलाजीत, आप देख लीजिए और आपको शिलाजीत का दिखाएंगे पूरा हिसाब किताब क्या होता है। यह है शिलाजीत का पत्थर, ये शिलाजीत का पत्थर होता है ये वाला, इसमें जो पेस्ट निकलता है मार्केट में मिलेंगे आपको, नेपाली लोग बेचते हैं बड़ी बड़ी टोपियां लगा के श्रीनगर में, वो तो चीनी होता है। ये देखो एक डब्बा मेरे पास भी आया है परसों, लेकिन ये हमने फेंक के थोड़ा सा रखा क्योंकि अगर क्योंकि चीनी आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये शिलाजीत जो है ये देखो वो दिखाते हैं तार निकालते हैं वो, ये इसमें ज़्यादा निकलता है डुप्लीकेट में। शिलाजीत जो है इसकी सबसे बेस्ट पहचान जो होती है ये डायरेक्ट खाने में कड़वा होता है, डायरेक्ट खाने में कड़वा होता है। ये लीजिए रख लीजिए थोड़ी सी जुबान पे आप देख लीजिए, लेकिन जब हम इसी चीज़ को दूध या पानी में डालते हैं दूध या पानी के अंदर ये न्यूट्रल टेस्ट देता है, कीजिए टेस्ट न्यूट्रल टेस्ट देता है दूध या पानी के अंदर। तो ये एक इंसान को पूरे जीवन में खाली 100 ग्राम कोर्स होता है 1% पूरे जीवन में, पूरे जीवन में 2 महीने का डायबिटीज कंट्रोल, यूरिनरी डिसऑर्डर, कोलेस्ट्रॉल, बैक पेन, जॉइंट पेन के लिए सबसे बेस्ट रहता है, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए भी अच्छा रहता है। बट लेना कैसे होता है, गर्म दूध या पानी में आपको लेना है स्लीपिंग टाइम 1/4 टीस्पून, इतना सा एक गोली के बराबर
इतना सा उठाना है, गर्म दूध या पानी में डालना है, इसको डिजोल्व करना है, पीना है 7 days रेगुलर एंड 7 days के बाद एक दिन छोड़ के एक दिन यूज करना है बिल्कुल 2 महीने तक। जैसे 2 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा दोबारा लेने की जरूरत है। जिंदगी भर गॉड गिफ्ट विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। लेडीज जेंटल्स बच्चे बूढ़े जवान इसको कोई भी कंज्यूम कर सकता है। उसमें गारंटी क्योर हो जाएगा ऑर्थराइटिस में। 400 रुपए का, 1000 का, 2000, 4000 का शिलाजीत पड़ेगा आपको। 100 ग्राम 2500 रुपए का, 50 दो महीने का कोर्स कितना होता है? यही 100 ग्राम। अच्छा 100 ग्राम मतलब आपको उसमें डिवाइड कर लो आप, उतना से छोटी छोटी गोली बना लो, छोटी छोटी गोली। यहाँ पे ये जो है ना, ये अपना बादाम, और इसमें भी 3 वेरिएंट है, तीनों अलग अलग है। ये है अपना मामरा, ये देखो भाई कश्मीरी कावा, इसको पियेंगे और मौज लेंगे। ये रहा कश्मीरी कावा भाई, बहुत सही चीज है यार ये। मुझे 3 दे दो ये। भाई ये देखो यहाँ पे इसमें सारे मिक्स हो जाएंगे, वैरायटी है भाई, वैरायटी है। वाह मनोज भाई ने तो खतरनाक, देखो हेल्थ के मामले में मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल, बस अच्छा होना चाहिए। सबने भर लिया भाई, सारा सामान भर लिया, एक्स्ट्रा भर लिया, हमने थोड़ा भर लिया। नहीं मैं एक्स्ट्रा इसलिए भर लेता हूँ क्योंकि यार अपने भाई लोग भी तो बहुत सारे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं अकेला। जोक्स अपार्ट भाई, ये सच्चाई है, झूठा है डॉक्टर भाई। देखो मैं करता हूँ साफ साफ बात भाई, जो है वो है, नहीं ठीक है, जो है सो है, उसमें क्या है, क्या है? हाँ, 14 डब्बे लिए तो लिए। हाँ भाई 14 डब्बे लिए मैंने। मैं सोचा यार अपनी एनर्जी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, है कि नहीं बात है। तो मैंने 14 डब्बे भर लिए। यहाँ जो सामने ये सारे लकड़ी जो दिख रहे हैं ना, ये सारे वुडन बैट्स हैं जो यहाँ पे कश्मीरी विल्लो का बनता है। तो यहाँ से जो कोई भी अगर आए तो अगर लगे कि हाँ भाई क्रिकेट खेलने के अभी भी शौकीन हो तो बैट लेकर के जा सकते हैं। बहुत अच्छा बैट होता है भैया, बहुत अच्छा। ये सामने देखो ये जो रखा हुआ है लकड़ी। तो भाई रात में भी हम इसी रास्ते से आए थे, और ये देखो यार एयर स्ट्रिप है, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे पे है, जैसे लखनऊ वाले एक्सप्रेसवे पे है भाई। मतलब भी समझा दो क्या होता है एयर स्ट्रिप का। एयर स्ट्रिप मतलब इस पे जो है ना हवाई जहाज जैसे करके जूम उतर जाएगी इस पे। हाँ तो भाई गाड़ियां कहाँ जाएंगी फिर? गाड़ियां कहाँ जाएगी, गाड़ियां तेल लेने जाएंगी। एक था ना पुलवामा के भाई गांव में, किसी गांव में घुस गए हैं सीरियसली, और भाई बहुत ही खतरनाक लग रहा है सीरियसली यार। थोड़ा सा तो देखो अलग लग रहा है भाई, क्योंकि ना अब हम ना प्रॉपर किसी हाईवे पे नहीं है, और एक बड़ी छोटी सी लेन है जहाँ दो गाड़ियों का निकलना ही बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ से जो है हम पहलगाम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग पता नहीं कैसी नजरों से हमें देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कुछ अलग आ गए हैं। पर देखो ना घर कितने सुंदर बने हुए हैं, अलग अलग इतने बड़े बड़े घर यार, कौन सी गलियों में लेकर के जा रहे हैं। 350 मीटर ऐसे चलना है भाई। ओ भाई कितना इंटीरियर में आ गए यार भाई साहब। ये तो रोकेगा क्या? नहीं रुकेगा, सामने आ गया, देखा रोक लिया। जा रहे हैं भाई साहब, जा रहे हैं। ओ भाई क्या था ये, देखा भाई तो जबरदस्ती रोक रहा है सब। अरे तो कुछ गलत लग रहा है ना, चलो ऐसे कैसे रोक रहा था पता नहीं भाई। खाना भाई अब हम मुझे लग रहा है कुछ गलत एरिया में घुस गए। और कितना ना मतलब अपनी मर्जी खोलो, खोलो क्या भाई, खोलो क्यों खोलो यार। लेकिन वो भी पुलिस ने हमें डाइवर्ट क्यों किया यार। आप देखो ना टूरिस्ट है यार, टूरिस्ट को ऐसा क्यों आप तंग कर रहे हो, ऐसे अलग अलग रास्ते में भेज डाल के आगे वाले से ले लो यार भाई। थोड़ी सी हल्की सी मेन रोड सी आई है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है एटलीस्ट। यहाँ पे ना ट्रैफिक मूवमेंट गलत था, कुछ गलत था यार, वो कुछ गलत था है ना। ना आप लोगों ने ना क्लिप देखा है जिसमें हमारी गाड़ी ना एक बहुत इंटीरियर रोड से ना मतलब टुवर्ड्स हम पहलगाम की तरफ जा रहे थे, तो एक गांव से आया था या जो भी आया था, तो हमारी गाड़ी इंटीरियर्स में गई थी। अनंतनाग जगह था वो, अनंतनाग था राइट। तो वहां पे ना यार एक जैसी हम गली में हमने मोड़ लिया, एक बाइक थी जिसमें दो लोग थे, और वो बाइक ना रास्ते में ना आधे रास्ते में थी,
ताकि कोई भी अगर गाड़ी वहां से निकले तो वो स्लो हो जाए गाड़ी, राइट। और सामने एक दुकान वाला था, दुकान वाला क्या इशारा क्या दुकान, मुझे ऐसा लग रहा था दुकान वाला आगे ऐसे करके झुका हुआ था ना। हाँ हाँ हाँ। तो वो देख रहा था कि ट्रैफिक आ रही है जा रही है ना, तो वो वहां से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था वो, राइट। तो उसके बाद ना जब हमारी गाड़ी स्लो हुई ना उस बाइक की वजह से, एकदम से एक मतलब हट्टा कट्टा आदमी भाई साहब एक घर से निकल के आया और सीधा हमारी गाड़ी की तरफ उसने हाथ दिया। जैसा आपने देखा होगा, आई एम 100% श्योर दैट वॉज सम ट्रैप, क्योंकि वो दुकानदार ने उसको कुछ आंखों आंखों में इशारा किया, बाइक वालों ने मतलब हमारी तरफ देख के कुछ, मतलब उनकी शक्लें अगर आप देखो ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कुछ था यार वहां पे यार। तो मैं आपको यही बोलूंगा यार, अगर आप कश्मीर में हो ना तो मैं मतलब सजेस्ट करूंगा कि आप मेन रोड्स, कश्मीर क्या कहीं पे भी हो ना आप यार, तो आप मेन रोड्स ही प्रेफर करो, क्योंकि वो 100% ट्रैप था। और थैंकफुली मैंने उस टाइम शीशा नीचे नहीं किया, हम जल्दी जल्दी से भाई वहां से निकल गए यार। तो मतलब सीरियसली यार एक बार तो डर लग गया था अपने को। बिल्कुल। क्यों विकास भाई? मैंने जब वो क्लिप देखा तो मेरे को भी वही फीलिंग आई, मैं तो उस वक्त सो रहा था जब मैंने वो देखा ना। हाँ। क्योंकि अचानक से कोई रीजन नहीं बनता कि गाड़ी को ऐसे हाथ देके शीशा नॉक करने का। कोई रीजन नहीं बनता। एग्जैक्टली, सही बात है। हमारे पीछे भी गाड़ी थी, आप बता रहे थे कि हमारे पीछे भी गाड़ी थी, इसीलिए टूरिस्ट व्हीकल थे, इसीलिए शायद उन्होंने जाने दिया, अदरवाइज मे बी वो रोकते। भाई सही में यार थोड़ा सा स्केरी था यार वो, बट चलो यार टल गई बला और उसके बाद हम ठीक ठाक जो है। भाई किसी जंगल वाले रास्ते में, कौन से रास्ते में फंसा दिया मनोज भाई ने। भाई गजब गजब रास्ता है ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ही भाई, बीच में आकर के रोक दिया गया था। वो तो मनोज भाई की चालाकी और सूझबूझ था, जो कि नीचे नहीं किया शीशा, कुछ भी कर लो। हाँ, शीशा नीचे नहीं किया इन्होंने। बारिश तो और बेहतरीन मौसम है भाई, अल्टीमेट मजा आ रहा है इस ड्राइव पे ना। बिल्कुल। ओ भाई क्या जबरदस्त बिजली कड़क रही है भाई। आरू वैली कितना था दिखाओ? आरू 19 किलोमीटर था। तो वो कल सुबह करते हैं। हाँ चल लेंगे सुबह। अरे वो दिखेगा नहीं ना, बारिश का मौसम है, पत्थर गिर रहे हैं रोड पे, आराम से चलना है। घोड़े घोड़े से नहीं जाना, नहीं लेना जो ये आपके पीछे बैठे ना दयाल जी, पीछे जो बैठे हैं, जींस पहना ही नहीं हूँ, जॉगर्स पहने हैं महंगे वाले। भाई जी जो जॉगर है ना ये 10,000-15,000 के आते हैं ना जी, मुझे पता है ना जी, देखा मैंने टीवी पे कभी कभी देखता हूँ जी। अच्छा, तो ये खराब हो जाएंगे जी। इससे बढ़िया ना भाई जी 500 घोड़ा ले लो, घोड़ा। यार रोड्स तो आप देख ही रहे हो किस कदर रोड है। हम एक्चुअली मेन हाईवे पे नहीं है, हम मेन हाईवे के पैरेलल चल रहे हैं। हमें थोड़ा सा रास्ता भटके हैं और उस थोड़े से रास्ता भटकने के कारण जो है ना, पता नहीं कौन कौन से गांव के बीच से जा रहे थे भाई। बहुत ही खतरनाक रहा ये रास्ता, बट एडवेंचरस। सामने नदी देखो, बारिश के पानी से कैसे एकदम खतरनाक हो रखी है ना, पता नहीं कितना दिख रहा है। अभी जब पुल पे चढ़ेंगे ना तो आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से जो है हम मेन हाईवे में टच हो जाएंगे। ओ ओ आराम से, ये रहा भाई, ये नीचे करके दिखाता हूँ आपको। माय गॉड भाई क्या जबरदस्त लग रहा है भाई, क्या जबरदस्त लग रहा है ना। ओ बहुत 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 भाई, क्या लग रहा है ना, क्या जबरदस्त लग रहा है, बहुत जबरदस्त लग रहा है भाई। और भाई पहलगाम में आपका स्वागत है। क्या नजारे हैं यार यहाँ पे, क्या नजारे हैं। ये जो आवाज आ रही है ना यार, क्या मधुर संगीत है भाई, क्या मधुर संगीत है, कितना खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत ही खूबसूरत। और सामने जो स्नो कैप माउंटेन्स हैं उसकी तो क्या ही बात करें। अभी भी जो है टाइम हो रहा है 6:54 और हमें जो है अभी भी 3-4 किलोमीटर और है, सिटी थोड़ा सा दूर और है। और भाई ये रहा हमारा पहलगाम, पहलगाम का मार्केट, और यहाँ पे बरिस्ता सागर रत्ना दाना पानी, क्या बात है भाई, सभी कुछ है, सभी कुछ है।
इस साइड पूरा मार्केट है भाई, और अच्छा मार्केट है, मतलब ये इवन सोनमर्ग से ज्यादा अच्छा मार्केट है, ज्यादा बड़ा मार्केट है भाई, बड़ा मार्केट है। हाँ, मेरे को ज्यादा बड़ा टूरिस्ट एरिया लग रहा है सोनमर्ग से। बिल्कुल बिल्कुल, दाना पानी है, यूनिट ऑफ पहलगाम स्टोर, पहलगाम होटल, ये अच्छा लग रहा है भाई। पहलगाम होटल भाई, अंदर जा करके ये पूरा कैफे लॉग इन, इसमें रात में बैठा जाएगा, मिल गया अड्डा आज रात का। ये तो भाई अब दारू पीएंगे वहां बैठ के। अच्छा, रात का माहौल सेट है, सेट है भाई। चलो कोई नहीं भाई, बहुत सही गया यार, यहाँ चले आए। वहाँ बोल रहे थे, कहाँ वो हमारा छूट गया ना, कौन सा, गुलमर्ग, गुलमर्ग तो ठीक है ना, ये भी तो अच्छा है यार, नदी ज्यादा सुकून वाला है कि नहीं, टेम्परेचर भी यहाँ कोई हॉस्टाइल नहीं है, बहुत सही है। हाँ, इस समय बारिश हो रही थी इसलिए थोड़ा ठंड लग रहा था, बहुत सही लग रहा है यार, और नदी का पानी तो हमेशा से यार सूदिंग रहा है। टाइम हो गया 7:48 और बहुत देर तक हम लोग जो है ना इस पॉइंट पर रुके हुए थे, और रुकने का मजा ही कुछ और था भाई, मजा ही कुछ और था, बहुत टाइम तक रुके रहे क्योंकि यार ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत यार। पहलगाम ना मस्त विजिट है, अगर आप श्रीनगर आ रहे हो ना तो भाई पहलगाम आना बहुत जरूरी है। गाड़ी में हमारे सारे दोस्त लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि भाई टाइम भी तो हो चुका है, अब जाने का टाइम हो चुका है, देख लो बुला रहे हैं, चलो भाई चलते हैं यहाँ पे। हम फाइनली पहलगाम रिसोर्ट, पहलगाम के अक्सा बीच नहीं है भाई, अक्सा रिसोर्ट है ये, तो आओ तुझे अक्सा बीच घुमा दू, क्या चलती क्या। ओए 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 भाई, ये अंधेरा वाला रास्ता जो दिख रहा है ना, इसी रास्ते से हम आए हैं, लाइट अभी ऑफ हो गया, और ये रहा हमारा होटल। भाई इस जगह पे ना नॉर्मली हम नहीं पहुंच सकते थे, वो तो फोन किया हमने और भाई पूछा कि कैसे आना है, क्या रास्ता है, फिर उन्होंने बताया कि नहीं इधर से आ जाओ, ऐसे आ जाओ, फिर पता चला हमें कि भाई ये रास्ता है, तो फिलहाल के लिए बैग वैग ले लिया है। तो भाई ये रहा हमारा होटल आज का, और भाई साहब देखते हैं अंदर चल करके कि कैसे लग रही है भाई, लाइटिंग वाइटिंग तो सही लग रही है भाई, पूरा दिन निकल गया यहाँ आने में, अब कल का जो टाइम है ना वो हम पूरा स्पेंड करेंगे यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर करने में, और 2-3 जगह है जो मैंने भी रिकमेंड किया हुआ है भाई कि ये चलते हैं, भाई लोगों ने बताया था वहाँ पे दिल्ली में कि एक तो भाई बेताब है, एक आरू है, ये दोनों वैली घुमा जाएगा, उसके बाद फिर निकला जाएगा यहाँ से वापस दिल्ली के लिए। कल जो है वो बेताब और आरू वैली का दर्शन होगा। भाई बारिश होने के कारण ना पूरा किचकिच किचकिच हो गया है, वो थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई इन करते हैं यहाँ पे। तो भाई फाइनली ये था हमारा रूम, बहुत अच्छा था वो, आप समझ ही रहे हो देख करके कि कितना अच्छा था, भाई अपने काम में लग गया, भाई भी उधर अपने काम में लग गया है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पहुँचने के बाद अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और काम धंधे पे लगते हैं, फिर थोड़ा खाना पीना खाते हैं और उसके बाद फिर बंद करते हैं कहानी। चलो भाई मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन गुड नाइट।